हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजह। तो यार, माता काली को भगवान शिव जी अपनी तरफ बुला कर ले आए हैं। और भगवान शिव जी ने भी ले लिया है अघोर रूप। अब आगे देखते आगे होता है क्या। तो स्टार्ट माता जी चारों तरफ देख रही हैं। तो माता जी काली माता जी यहाँ से कितनी चली गई है, वो तो रहा है थोड़ा थोड़ा। जिस तरह माता जी वहाँ ठंडी हो रही है, ठंडी हो रही है। हाँ, शांति आ रही है। माता जी शांत हो चुकी है। माता जी जय, माता जी जय। इधर ये चाह रहे थे कि माता जी को ना कह दी थी भाई अब आ रही है, अब सामने शायद आ रही है। तो इस प्रकार माता को नियंत्रित किया जा सकता है। अबे ये देना, ये ट्रॉफी भी है ना जो माँ बारिश में बना हुआ है। यहाँ पे ये घोड़ी बना हुआ है ये। हाँ, ये
सा। इतना शदीद गुस्सा। हाँ आओ, ये तो बहुत ही मजा आ रहा है। हाँ बे आवाज दीजिए फैमिली। हाँ 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 ये क्या करने जा रहे हैं महोदय? आइए द्रौपदी। ओ काले बादल खा, ओ प्रलय खत्म, ओ सब शांत होते जा रहे। कभी जब गुस्सा होते जा रहे माता जी शांत। ओ सुबह हो गई दोबारा, रात काली तो गई खत्म। हाँ सारे खुश। हाँ वही मतलब प्रलय जैसा। ओ भाई गंगा माता जी की सही, माता जी जैसी शांत होती गई है वो सब कुछ ठीक होता गया। गंगा माता जी की शुक्र किया। डर लगता है यार, प्रभु ने माता को शांत कर दिया। मैंने कहा था ना आपसे नानी माँ, खतरे के बादल झड़ गए। शुक्र पिताजी माँ को लेकर शीघ्र ही कैलाश लाएंगे। लेकिन उससे अगोरियों को मिला फायदा, क्योंकि वो गोरी कह रहा था ना, तो इस तरह करते हैं माता को नियंत्रण। यार एक बात बताऊं, माता जी जब आते हैं ना तो उनको बड़ा दुख होता है कि यार मैं इस रूप में आके क्या कुछ करने चली जाती हूँ। फिर माता जी माफी भी मांगती है भगवान शिव जी से। वाह क्या यार, उस रूप में तो फिर पता है ना तो। वो रूप समझे उनका विनाशकारी है। भगवान शिव जी आ गए कैलाश। आ गया भाई आ गया, पूरे तरीके से माता जी।
माँ। आए हाय हाय यार, ये देख इस दफा भगवान शिव जी को कितनी मुश्किलें आई माता जी को शांत करने में। क्या क्या नहीं किया उन्होंने माता जी को शांत करने में। यार मजा आ गया जिस तरह माता जी को शांत किया। भाई भगवान शिव जी ने विशाल रूप अपना लिया, भाई पांच पांच छह छह अघोरी के रूप आ गए और वो पड़ पड़ रहे थे। उसी तरह माता जी ने अपना रूप कम किया, अपना वो विशाल जो रूप था। फिर उसके बाद भाई सब वो बैर सामने बैठ गए। लेकिन वजह तूने एक चीज जानी है, अघोरियों ने क्या फायदा उठाना चाहे, ये अघोरी ये फायदा उठाना चाह रहे थे। अब भगवान शिव जी ने माता जी को शांत किया है ना, तो वो याद है वो जो अघोरी वो तरीका शायद इनको पता लग गया कि माता जी को नर्तन इस तरह किया इस तरह किया जाता है। कहता है तो अच्छा माता जी को इस तरह किया जाता है, अब वो चीज इन्होंने सीखी आई थिंक, और अब ये फायदा उठाएंगे इन चीजों से। लेकिन यार ये कैसे हो सकता है, तब भी भगवान शिव जी कह रहा था कि इसका परिणाम बुरा आएगा। लेकिन ये चल वो तो बिल्कुल हमें भी ऐसा लग रहा है कि उनके पास हाथ लग गई ये चीज। लेकिन ये दुनिया बच गई, देख माता गंगा जिस तरह वो जल रही थी वो सही हो गई यार। देखो देख ये दुनिया में जितनी आगे लग रही प्रलय आया तो सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। देख ये हमारा आइडिया, अगर ये इसी तरह जिस तरह उसने बोला तो इसी तरह माता जी तो आज तक भी इस तरह के लोग फायदा उठाते होंगे फिर, हो सकता है। क्योंकि भगवान शिव जी ने कहा ना कि आखिर तक इसका परिणाम बुरा आएगा। बिल्कुल खुरम तेरी बात 100% वाकई यार ये। लेकिन अब आगे देखते, अब आगे होता है क्या तो बात।